नमस्कार संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत प्रैक्टिस सेट 16 की चर्चा कराने जा रहा हूं। आइए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, इको याणच सूत्र में कुल कितने पद हैं। इको याणच सूत्र में कुल कितने पद हैं। इको याणच सूत्र में कुल कितने पद हैं। आइए देखते हैं, इको याणच, देखिए लिखा है इकह, जब इसको इको याणच तोड़ेंगे तो इकह याण और अच, यह षष्ठी एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, सप्तमी एक वचन में है, तो कुल कितने पद हैं। तीन पद हैं, एक दो और तीन। तो इको यणच इस सूत्र में कुल कितने पद हैं, त्रिपद हैं। कितने पद हैं, त्रिपदम, तीन पद हैं, पांच पद नहीं है और न ही द्वि पद हैं और न ही एक पद हैं, इसमें कितने पद हैं, त्रिपदम, तीन पद हैं। ठीक, इको यणच, इकह यण अच, इकह षष्ठी में है, यण प्रथमा में है, अच जो है सप्तमी एक वचन में है, तो तीन पद हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आगे, प्रसंख्या दो, प्रसंख्या दो में लिखा है, यण संधि में ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः आदेश होता है। क्या आदेश होता है, ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा, हयवर यवलर यरलव यवरल, क्या होगा। तो ई उ रील री, तो ई का य, ऊ का ऊ का व, री का र, ल्री का ल हो जाता है। तो देखिए य व र ल कहाँ है, तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, य व र ल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, न कि ह य व र होगा, न य व होगा, न सी होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रसंख्या दो में क्या सही है, य व र ल। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, प्रसंख्या तीन, प्रसंख्या तीन में लिखा हुआ है, झस वर्ण परे रहने पर झल के स्थान पर क्या आदेश होता है। तो झस परे, परे माने बाद में, परे माने बाद में, परे माने क्या होता है, बाद में, झल के बाद यदि झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या हो जाता है। एक सूत्र है जस्त संधि का, अपदांत जस्त्व, अपदांत जस्त्व, अपदांत जस्त्व में मैं पढ़ाते समय आपको सूत्र बताया था कि झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झल के बाद झस हो तो झल के स्थान पर क्या होता है, झल के स्थान पर जस हो जाता है। तो झल के बाद झस होने पर झल के स्थान पर क्या होगा, जस होगा। इसमें बी सही है, न कि झस, न कि झर, न कि झय, अर्थात जैसे जैसे सज्जन सत सद सद धन जनह, सद धन जनह, द के बाद ज है, तो इस द के ओ झस, देखिए इसमें अपदांत, अपदांत जस्त्व, अपदांत जस्त्व। ठीक, जस्त्व, इसका सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झल के बाद झस हो तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। जैसे अबज,
तो अप धन जह, तो अप के स्थान पर जस का तीसरा वर्ण है ब, क्योंकि जस में आता है ज ब ग ड द, ये आते हैं, ये जस प्रत्याहार में आते हैं, तो प के स्थान पर तीसरा क्या होगा, ब होगा, अर्थात यहां पर जस होगा, ठीक, न कि झस होगा, न कि झर होगा, न कि झय होगा। तो झस वर्ण परे माने बाद में, परे माने बाद में, तो झल के बाद झस होने पर झल के स्थान पर क्या आदेश होता है, तो जस आदेश होता है। यह अपदांत जस्तु संधि का सूत्र है, झलाम जस झसी। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रसंख्या चार में। प्रसंख्या चार में लिखा हुआ है नद्यत्र में संधि है, नद्यत्र, नद्यत्र में संधि है, क्या है बताइए आप सभी लोग, नद्यत्र में कौन सी संधि है, नद्यत्र, बहुत सही उत्तर बता रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नद्यत्र में कौन संधि है, यण संधि है, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो नदी धन क्या हो जाता है, अत्र, नदी धन अत्र, ठीक, न है, द में आप हलंत लगाएंगे तो ई निकलेगा, फिर आगे क्या है, अत्र है, ठीक, तो ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, यह हो गया नद धन य धन अत्र। अब इसको जब आप जोड़ देंगे तो बन जाता है न द, देखिए द है, फिर क्या है, यह, यह में अलग गया, बन गया क्या, नद्यत्र, क्या बन गया, नद्यत्र, ठीक। तो नद्यत्र में कौन संधि है, यण संधि है, न कि गुण संधि है, और न ही अयाद संधि है, और न ही प्रकृति भाव संधि है, ठीक, बहुत सुंदर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग। चलिए आइए चलते हैं आगे, गुरु धन आज्ञा, क्या लिखा हुआ है, गुरु धन आज्ञा का संधि युक्त पद होगा, गुरु धन आज्ञा का संधि युक्त पद होगा, तो सीधी सी बात है, गुरु, गुह र में हलंत लगाएंगे तो उ निकलेगा, आगे क्या है, आज्ञा, क्या है, आज्ञा, तो यण संधि है यहां पर, ई उ री ल्री के बाद कोई स्वर आता है तो उ का क्या होगा, व होगा, ते क्या है, गुर धन, गुर धन व धन आज्ञा, आज्ञा है, तो अब व में आ लग जाएगा तो बन गया वा। अब यहां पर गु है, अब र जो है यह रेफ र है, हलंत र है, तो र के आगे व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो र व के ऊपर हो जाएगा रेफस ऊर्ध्वगमनम सूत्रशी, ठीक, तो बन गया क्या, गुरु वाज्ञा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, ना ए होगा, ना बी होगा, सी होगा, और न ही डी होगा, ठीक, गुरु आज्ञा कौन सा होगा, गुर र धन आज्ञा, गुरु आज्ञा, गुरु धन आज्ञा, गुरु आज्ञा, यण संधि है इसमें, ठीक है, सभी लोग सही बता रहे हैं, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं, प्रसंख्या छह में लिखा हुआ है अच परे होने पर, परे का अर्थ ही होता है बाद में, दिमाग में तुरंत रखिएगा, परे का अर्थ ही होता है, परे माने बाद में, परे माने बाद में, पर शब्द, परे जो है सप्तमी एक वचन में है, पर माने बाद में, कहता है एच प्रत्याहार, कहा अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है, एच, एच में क्या क्या आता है, एच प्रत्याहार में ए ओ आई और औ आता है, क्या आता है, औ, बाद में अच, अच माने स्वर, कोई स्वर हो, अच माने क्या, अच माने स्वर, स्वर होने पर ए के स्थान पर क्या होगा, आय, ओ के स्थान पर क्या होगा, ए के स्थान पर क्या होता है, अ, य, क्या होगा, आय, ए के स्थान पर क्या होगा, आ य, आय, ओ के स्थान पर क्या होगा, अ व, आय का क्या होगा, आय, आय, औ का क्या होगा, आ व, क्या होगा, आव। अब इसमें मिला ये कौन मैच कर रहा है, तो आय है, आव है, आव है, लेकिन अत नहीं है,
तो यही कह रहा है कि कौन सा आदेश नहीं होगा, तो नहीं पूछ रहा है तो इसका विकल्प सी सही होगा। आय आव, आव तो आदेश होता है, लेकिन क्या आदेश नहीं होता है, तो अत आदेश नहीं होता है, अर्थात विकल्प इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए नहीं के अर्थ में सी सही होगा। क्या सही होगा? अत आदेश नहीं होता है। प्रश्नों को सुनिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने हमने रखे हुए हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। संहिता की स्थिति में लिखा हुआ है, संहिता की स्थिति में ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होता है। संहिता की स्थिति में अर्थात संधि की स्थिति में, अभी मैंने आपसे चर्चा किया, अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश होता है संहिता की स्थिति में। संहिता का अर्थ है, सीधी सी बात है, संधि की स्थिति में। संधि की स्थिति में क्या होगा? ए ओ आई औ के स्थान पर क्या होगा? तो ए का अय होता है, ओ का अव होता है, आय का आय होता है, औ का आय होता है। क्या होता है? ए का अय, आय, ओ का अव, आय, औ और आय का आय होता है, आव होता है। क्या होगा? यह सी नहीं हो रहा है, देखिए यहां मिल रहा है आय आव आय आव, अर्थात डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा, न कि ए सही होगा, न बी सही होगा और न ही सी सही होगा, इसमें डी सही होगा। बड़े ही अच्छे प्रश्नों को मैंने आपके सामने चुन करके रखा हुआ है, ठीक है। देख रहे होंगे आप सभी लोग, बहुत अच्छे उत्तर आपके मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, प्रसंख्या आठ। प्रसंख्या आठ में लिखा हुआ है नायका में संधि है, कौन सी संधि है? नायका में कौन सी संधि है? नायका में मैंने आपसे कहा है कि यदि देखिए या व, या व के पहले अगर बड़ा आ आता है और या या व या और व, या के पहले यदि ह्रस्व आता है, व के पहले यदि ह्रस्व आता है, या के पहले यदि दीर्घ आ आता है, व के पहले भी यदि दीर्घ आ आता है, तो क्या हो जाता है? अयाद संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? अयाद संधि हो जाता है। अब देखिए नायक आय 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 मिल रहा है कि नहीं? आय आय क्या है? अयाद संधि। कौन सी संधि है? अयाद संधि है, ठीक। गुण संधि नहीं होगा, न वृद्धि संधि होगा और न ही पूर्व रूप संधि होगा। यह व के पहले यदि अह्रस्व अह्रस्व दीर्घ आ आता है, तो यह व अगर जहां लिखा हुआ तो यह के पहले देखिए अगर यहां पर दीर्घ लिखा हुआ आय तो ए से बना है, किससे बना है? ए से। औ किससे बना है? ओ से। आय किससे बना है? आय से। आव किससे बना है? औ से। तो ए का आय, ओ का औ, आय का आय, औ का आव हो जाता है और यह अयाद संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं, प्रसंख्या नौ में बताइए। प्रसंख्या नौ की चर्चा कर रहा हूं आपसे, पावक में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? अभी मैंने आपसे चर्चा किया है, अयाद संधि की ही चर्चा मैंने किया है। पाव का आव 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 आ रहा है कि नहीं? देखिए क्या होगा, एचो यवा याव, न ए होगा और न ही सी होगा और न ही डी होगा। एचो यवा याव, एचो यवा याव, देखिए एच एच एच, यहां अवग्रह लिखा है, अवग्रह का क्या होता है? यह अ होता है, फिन क्या है? यह है, फिन क्या है? अव है, फिन क्या है? आय है, फिन क्या है? आव है, आव, ठीक। तो देखिए आव 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 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो एच में होता है क्या? ए ओ आए आओ होता है, ठीक। तो देखिए यहां पर ए को आए, ओ को आओ, आए को आए,
आव को आव हो जाता है, बाद में कोई स्वर होने पर, कोई स्वर होने पर। एचो यवा यावह, यह अयादि संधि का सूत्र है। तो पावकह में कौन संधि है? एचो यवा यावह। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है प्लीज? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां बताइए, हरय का संधि विच्छेद होगा। हरय का संधि विच्छेद क्या होगा? हरय देखिए, आय 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 कहां से बना? आय कहां से बना? आय बना ए से। आय कहां से बना? ए से बना। तो ए की मात्रा कहां लगी हुई है? यहां लगी हुई है। अब यहां पर हरय में एक मात्रा लगी हुई ए, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे आप तो हो जाएगा हरे धन ए। ठीक है, देखिए ऐसे होगा, ह र में हलंत लगाएंगे तो ए निकलेगा, उसके बाद निकलेगा ए, ए के बाद कोई स्वर हो तो ए का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो यहां क्या है? हर धन आय धन ए। अब आप इसको जोड़िए, र के आगे स्वर अ है तो र में अ लग गया, पूरा हो गया। या के आगे ए है तो ए में कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक। तो यहाँ क्या हो गया? ए, हरे। क्या बना? तो हरे धन ए। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन ए। तो र में हलंत लगाए, ए निकला, फिर आगे उसके ए है, इस प्रकार से देखिए ये सिद्ध हुआ। तो इसका क्या सही होगा? डी, न ए होगा न बी होगा और न ही सी होगा, क्योंकि आई में यहाँ पर दो मात्रा होती है, हरिधन ए होगा नहीं और ए में एक मात्रा होती है, ए का अय हो करके हरय बना। तो इसमें क्या सही है? डी सही है, चौथा सही है। आप लोग भी बहुत सही उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं। अयादि संधि का सूत्र है, अभी मैंने चर्चा किया, इसको गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी मित्र हैं, अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो यवा यावह। बहुत सही बता रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो यवा यावह। एचो यवायावह, एचो यवायावह, एचो यवायावह, एचो यवायावह अयादि संधि का सूत्र है। ठीक, बहुत सुंदर। गुण संधि का सूत्र है, गुण संधि का कौन सा सूत्र है बताइए? गुण संधि का कौन सा सूत्र है? संधि सूत्र पूछ रहा है, न कि संज्ञा सूत्र। यह जो अदेंग गुण लिखा हुआ है, यह गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? यह गुण संज्ञा का, गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। तो यह नहीं होगा, यह संधि सूत्र है, यह गुण संधि का सूत्र है। यह गलत है पूरी तरह से, सी और डी। यह जो अदेंग गुण है, यह संज्ञा का विधान करता है। क्या करता है? संज्ञा का। और यह जो आद गुण है, यह संधि का विधान करता है। इसलिए न ए होगा, न सी होगा और न डी होगा, बी सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वृद्ध संधि का सूत्र है, वृद्ध संधि का सूत्र है, वृद्ध संधि का सूत्र है। सीधी सी बात है, सी को काटिए, डी भी नहीं होगा। अब जो यहां पर वृद्धिरादैच है, यह संज्ञा का विधान करता है। यह क्या करता है? वृद्ध संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। और जो यह ए है, यह सही है, यह संधि का विधान करता है। मैं आपको संधि पढ़ाते समय इन सब चीजों की मैंने आपसे चर्चा किया था कि संधि दुई दुई चार, दुई दुई चार छोटा वाला संधि, दो तीन पांच बड़ा वाला संज्ञा। इसका ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध संधि का सूत्र पूछ रहा है, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हल संधि कहलाती है। हल संधि, हल संधि का दूसरा नाम मैंने आपसे बताया था कि हल माने होता है व्यंजन। हल माने क्या होता है? व्यंजन। हल माने क्या? व्यंजन। संधि कहलाती है, क्या कहलाती है? यदि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण हो तो वहां पर क्या कहलाती है? व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन वर्ण हो, हल माने व्यंजन, हल माने व्यंजन, हल माने क्या? व्यंजन। तो व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन हो या व्यंजन के बाद कोई स्वर हो, मैंने दोनों बातें आपसे कहा था कि हल के बाद चाहे अच हो या
हल हो, हल हो, तो वहाँ पर हल संधि हो जाती है। हल संधि अर्थात व्यंजन संधि, अर्थात व्यंजन की बात चाहे स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है, अर्थात इसमें ऑप्शन सी सही होगा। उपर्युक्त तो दोनों आंसर आपके सही हैं, डी नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए, चाहे व्यंजन आए, चाहे व्यंजन आए, चाहे स्वर आए, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, यह नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, सी, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। स्वागतम में संधि हो, संधि है, स्वागतम में कौन सी संधि है, स्वागतम में कौन सी संधि है, स्वागतम, स्वागतम का जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो होगा शूधन आगतम, शूधन आगतम, शूधन आगतम, तो शूधन आगतम स्वागतम, स में हलंत आप लगाएंगे तो स में जब आप हलंत लगाएंगे तो ऊ निकलेगा, फिर आगे क्या है आगतम, आगतम क्या है आगतम, तो ऊ का क्या हो जाता है व हो जाता है, क्या हो जाता है व हो जाता है यण संधि से। तो कौन संधि है इसमें, यण संधि है, आप सभी लोग भी सही बता रहे हैं, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप, इसमें यण संधि होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रामस चिनोति व्यंजन संधि की बात करता हूं आपसे, इसमें व्यंजन संधि रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति, यहां पर इस तो इसनाशु सूत्र लगा हुआ है, यह कहता है कि यदि दंत स के बाद च वर्ग हो, दंत स के बाद च वर्ग हो तो दंत स के स्थान पर तालव्य स हो जाता है, इस दंत स के स्थान पर क्या होगा तालव्य स होगा, तो यहां हो गया रामस धन चिनोति, क्या होगा रामस धन चिनोति, तो अब इसको आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा रामस चिनोति, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ना ए सही होगा, ना बी सही होगा और ना डी होगा, इसमें इस्तोह इस्तुनाशु सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न का संधि विच्छेद होगा, प्रश्न का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रसधन्न, प्रसधन्न यह होगा, न कि यह होगा, न कि यह होगा, एक सूत्र है सात, एक सूत्र है क्या सात, एक वार्तिक है यह इस्तोश्चुनाश्चु का, एक वार्तिक है यह सात, यह कहता है कि यदि तालव्य स के बाद त वर्ग हो, तालव्य स के बाद यदि त वर्ग हो तो वहां पर कोई भी विकार नहीं होता है, कोई विकार, कोई विकार नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, एक सात सूत्र है सात, यह कहता है कि तालव्य स के बाद त वर्ग होते, यहाँ आप देख रहे हैं तालव्य स के बाद त वर्ग का न है और यह ज्यों का त्यों है, अर्थात प्रश्न का संधि विच्छेद होगा प्रसधन्न, इसी प्रकार से विषधन्न, विषधन्न बन जाता है विष्ण, ठीक है ना, प्रश्न विष्ण, प्रश्न विष्ण, ठीक है ना, तो यहाँ पर सात सूत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक, ज्यों का त्यों, सात बहुत सातिर आदमी है, यदि तालव्य स के बाद त वर्ग का कोई भी वर्ण आया था वहाँ पर कोई भी विकार नहीं होता है, कोई भी विकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसंख्या आठ, प्रसंख्या अठारह में लिखा हुआ है मनुस्वार, इस सूत्र के उदाहरण है मनुस्वार, यह सीधी सी बात कहता है, मनुस्वार कहता है कि यदि पद के अंत में म हो, बाद में व्यंजन वर्ण हो, बाद में क्या हो व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार का चिन्ह आप जानते हैं यह होगा, पद के अंत में यदि दिख रहे हैं पद के अंत में यदि व्यंजन वर्ण होगा तो म का क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है, तो शत्रुंजयति, शत्रुंधनजयति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा शत्रुमधनजयति, शत्रुमधनजयति होगा, अब म के बाद व्यंजन वर्ण ज है तो इस म का क्या हो जाएगा,
इसम का अनुस्वार होकर के बन जाता है शत्रुम जयति, यही यह बात करता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। यदि म के बाद व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है शत्रुं जयति। भारतम धन वंदे, भारतम वंदे, मातरम धन पृच्छत, मातरम पृच्छत, अनुस्वार हो गया है यहाँ पर। अर्थात इसका तीनों सही होगा, उपर्युक्त सभी सही है। अनुस्वार कहता है म के बाद यदि व्यंजन वर्ण होगा तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार लगे हुए हैं, इसमें सभी सही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए चलते हैं आगे। पर सवर्ण विधायक विधि सूत्र है, पर सवर्ण, पर सवर्ण अनुस्वार से यही पर सवर्ण, पर सवर्ण संधि का सूत्र है, पर सवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण, न कि मनुस्वार होगा न परस्य होगा और न अनुनासिका पर अनुस्वार होगा। पर सवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण, जैसे होता है समधन तोषा, समधन तोषा, तो अनुस्वार के बाद यदि यय प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर माने बाद वाले वर्ण का वर्ण आदेश हो जाता है, तो संधन तोषः बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है संतोषः, क्या बनता है संतोषः। ठीक, चलिए तो इसमें पहला सही है, ना कि बी सही होगा, न डी सी सही होगा और न ही डी सही होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए आगे चलते हैं। वृक्षात धन लघुडम, वृक्षात धन लघुडम, यहाँ तोरल संधि है, मैंने आपसे बताया है कि यदि त वर्ग के बाद ल वर्ण आता है, त वर्ग के बाद यदि ल वर्ण आता है तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है, तो त के स्थान पर ल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वृक्षाल लघुडम। देखिए ऑप्शन ये भी गलत है, यह सही है, वृक्षाल लघुडम, त के बाद ल है तो त के स्थान पर ल हो गया, न सी सही होगा और न ही डी सही होगा। जैसे विद्वान धन लिखति बनता है विद्वान लिखति। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने संधि की चर्चा किया था क्या आपके सामने अच्छे थे, अगर अच्छे थे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमः संस्कृताय।